Now we are going to get discuss about the uniform speed and non uniform speed. Uniform, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जब हम स्कूल में जाते हैं तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सबको यही रहता है कि ऑल स्टूडेंट विल कम इन द स्कूल विद यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म में कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए. यूनिफॉर्म आप जानते हैं, सब स्टूडेंट जो हों सेम ड्रेस में हों, सेम, ओके, इक्वल, इक्वलिटी. और नॉन यूनिफॉर्म अगर है इसका मतलब कोई ड्रेस में है, कोई विदाउट ड्रेस है, मतलब इक्वलिटी नहीं है. यही बात हमें ध्यान रखनी है, इक्वलिटी एंड अनइक्वलिटी, ओके. तो देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड तो जानते हैं हम, जो स्पीड के डेफिनेशन है वही थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम. बट यहाँ पर यूनिफॉर्म है तो इक्वल आएगा और नॉन यूनिफॉर्म है तो अनइक्वल आएगा, ओके. तो स्पीड क्या थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो व्हेन एनी बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगी? व्हेन एनी बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम दोनों में सेम दिया जाएगा. जैसे दो लोगों को दौड़ने के लिए, रेस के लिए कंपेरिजन करना हो तो टाइम दोनों को सेम दिया गया भाई, ठीक है ना, कि अब आप इतनी देर में दौड़ कर आइए, कितने किलोमीटर दौड़ के आ सकते हैं, ओके. तो यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी व्हेन एनी बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड. एंड नॉन यूनिफॉर्म when anybody travel unequal distance in equal interval of time is called non uniform. मतलब समान समय में चली गई समान दूरी, ये होती है समान चाल. और असमान चाल क्या होगी? समान समय में चली गई असमान दूरी. means समान समय में चली गई समान दूरी समान चाल होती है, और असमान चाल होती है समान समय में चली गई असमान दूरी. अब इनके देखिए कर्व, ये सब के लिए यूनिफॉर्म कर्व सब के लिए सिमिलर होता है और नॉन यूनिफॉर्म कर्व सब के लिए अपनी तरह सिमिलर होता है. तो कैसे? देखिए ये है टाइम और ये है एक्स, और एक्स यहाँ पर होगी डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड किससे मिलती है? डिस्टेंस से. इसी तरीके से यहाँ पर भी ये टाइम और ये एक्स वही डिस्टेंस, ओके. नाउ हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30, 40. फर्स्ट 2 सेकेंड लगा तो कितना ट्रेवल किया? 10 मीटर इसका हमने ये क्रॉस किया. इसी तरीके से 2 से 4 तक फिर 2 सेकंड लगा और 10 से 20 तक फिर ये 10 मीटर ट्रैवल किया, ये क्रॉस पॉइंट. फिर 4 टू 6 फिर 2 सेकंड और 20 टू 30 फिर 10 मीटर. तो नेक्स्ट ये मिला. इसी तरीके से 6 टू 8 फिर 2 सेकंड और 30 टू 40 फिर 10 मीटर. तो अब इन पॉइंट्स को अगर मीन कर दें तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है. मीन्स देखिए टाइम इक्वल और डिस्टेंस इक्वल, मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ओके. तो इसका सिंपली कर्व अब आप बनाएंगे टी और एक्स का स्ट्रेट कर्व इस तरीके से, ओके. और इसमें क्या होगा? जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ये है 5, ये हो गया 25, ये हो गया 32, ये हो गया 47, ये. तो देखिए फर्स्ट 2 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया? 5 मीटर. 2 से 4 तक फिर 2 सेकेंड लगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो गया? 5 से 25 तक 20 का गैप है, तो ये आ गया ये. फिर नेक्स्ट 4 टू 6 तक 2 सेकेंड लगे,
लेकिन 25 टू 32 ये हो गए 7 मीटर, और फिर 6 टू 8 तक 2 सेकंड, लेकिन 32 टू 47 कितने हो जाएंगे 15 मीटर। तो अब ये आ गया, अब इन पॉइंट्स को अगर हम मीट करते हैं तो देखिए जिगजैग करवा रहा है, इसका मतलब इक्वल टाइम तो लग रहा है, बट यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो क्या है अनइक्वल। तो हम इसका कर्व ये बना सकते हैं T और X का, कैसा भी जिगजैग कर्व है अगर तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो यही मैं बता रहा था स्टार्ट में भी कि अगर यूनिफॉर्म कर्व है तो स्ट्रेट होगा, चाहे वो स्पीड का हो, चाहे वो वेलोसिटी का हो, चाहे वो एक्सीलरेशन का हो, अगर यूनिफॉर्म है तो एक्स और ये स्ट्रेट कर्व ही रहेगा, बस ये पोर्शन चेंज होगा उसका। जैसे अभी स्पीड चल रही है तो ये एक्स डिस्टेंस है, अगर यही वेलोसिटी आ जाता तो यही एक्स क्या हो जाता डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज वेलोसिटी अराइजेस थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। सो कम टू द पॉइंट, ये यूनिफॉर्म कर्व है तो एक्स टी कर्व जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, और ये नॉन यूनिफॉर्म कर्व है तो एक्स टी कर्व जो होगा जिगजैग होगा। ओके,